जी प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी प्यारे बच्चों? उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मुझे पता आप लोगों के लिए आप लोग बहुत खुश होंगे कल से, है ना? क्योंकि मार्केट में या आपके मोबाइल फ़ोन में लगातार मैसेज आए जा रहे हैं कि यार CBSE ने क्लास टेंथ का सिलेबस कम कर दिया। क्लास टेंथ नहीं, क्लास नाइन्थ से लेकर ट्वेल्थ का सिलेबस कम कर दिया है। पर आपको तो क्लास टेंथ का मतलब है कि क्लास टेंथ में कितना सिलेबस कम किया गया है, ठीक है? हर एक सब्जेक्ट में कुछ सिलेबस कम किया गया है, ठीक है? मैं बात करूंगा आज सिर्फ मैथ्स की कि मैथ्स में कितना सिलेबस कम किया गया है। और अभी यहाँ पर आपके पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे होंगे, कुछ दो PDF फाइल चल रही होगी। एक PDF फाइल में होगा कि कौन से टॉपिक हटाए गए हैं, दूसरे PDF फाइल में होगा कि कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं हमें इस साल। पर प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए ना वो जो PDF आई है वो काला अक्षर भैंस बराबर है। क्यों? क्योंकि सर आपको पता ही नहीं है कि एग्जैक्ट कौन सा टॉपिक हटा है। तो उन्हीं चीज़ों को मैं आसान भाषा में आपको समझाऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक हटा दिए गए, यानी कौन कौन से क्वेश्चन हटा दिया है। मैं ये भी बताऊंगा आपको, बस आपको क्या करना है, ये वीडियो सर लास्ट तक देखनी है, पहली बात। और दूसरी बात, एक काम कर लीजिए, कलम और कॉपी अपने हाथ में ले लीजिए, ठीक है? जल्दी से पेन ले लो और लिख लीजिए। मैं आपको सर एक्सरसाइज ही बता दूंगा कि ये एक्सरसाइज हट गई है, ठीक है? आप अगर कोई वीडियोस देखोगे ना, वहाँ पर सिंबल बता दिया गया है। मैं आपको वन बाय वन चीज़ें बताऊँगा कि कौन कौन से एक्सरसाइज और कौन कौन से क्वेश्चन तक हमारे हटा दिए गए। देखो बच्चों, बात करें चैप्टर फर्स्ट का, ठीक है? जब बात करें चैप्टर फर्स्ट का, तो सर चैप्टर फर्स्ट में बात करें कि हमारे पास जो आप टॉपिक देख रहे होंगे उसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम हटा दिया गया है। अब बच्चे कहते हैं सर ये वो हटा गया, मतलब इसका मतलब ये है कि एक्सरसाइज 1.1 इस बार सिलेबस में आएगा ही नहीं। ध्यान दो, ये जो वीडियो है ये वीडियो 2020 और 21 वाले बच्चों के लिए, यानी अगले साल सब कुछ आएगा, पर इस साल के बच्चों के लिए, यानी आप लोग जो इस बार एग्जाम देंगे बोर्ड का, ये उनके लिए है, ठीक है? ये नहीं कि कहीं अगले साल भी नहीं आएगी एग्जाम में, इस साल नहीं आएगा, ठीक है? तो यानी एक्सरसाइज 1.1 नहीं आएगा। बात करें कि फिर 1.2, 3 वो सब कुछ आएगा, उसमें तो कोई समस्या नहीं है, ठीक है? तो एक्सरसाइज 1.1 नहीं आएगा, क्योंकि यूक्लिड डिवीजन लेमा इसी पर तो है। वो याद है आपको, ऐसा करते थे आप 80 निकालते थे, है ना? यूक्लिड डिवीजन है ना लेमा से, वो नहीं आएगा बेटा। एक्सरसाइज 1.1 आपका हट गया है, आप ऐसे कर सकते हैं। बेटा बात करें चैप्टर 2 की, ठीक है? सर चैप्टर 2 से क्या हटा गया है? बेटा चैप्टर 2 हमारा पॉलिनोमियल है, ठीक है? उसमें हमने पढ़ा था यार जीरोज़ के बारे में, कि जीरोज़ क्या होता है, अल्फा बीटा दो जीरोज़ होते हैं, है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, और जीरोज़ के बीच क्या रिलेशन होता है वो भी आएगा। यानी 2.1 भी आएगा, 2.2 भी आएगा, ठीक है? बात करें बेटा करना 2.3 की, 2.3 में क्या था पता है? डिवाइड करना था, है ना, डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम होता था। तो जो 2.3 एक्सरसाइज है, इसका मतलब उन्होंने क्लियर कट बोला हुआ है कि जो यूक्लिड डिवीजन जो है ना, जो डिवीजन वाला है, जो यूक्लिड डिवीजन थ्योरम है ना, जो डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम वाले टॉपिक है वो हटा दिया गया है। यानी कि आप समझो कि एक्सरसाइज 2.3 से कोई भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्लियर कट बोला गया उसमें, ठीक है? प्यारे बच्चों, मैं आपको पूरी PDF भेजूंगा, मतलब दोनों PDF भेजूंगा मैं। कौन सी PDF? जिसमें टॉपिक हटा दिए गए हैं वो PDF भी, और जो टॉपिक हैं वो PDF भी, ठीक है? बात करें बेटा, है ना, ठीक है सर। बेटा बात करें अगर हम चैप्टर किसकी, चैप्टर थर्ड की, अगर हम चैप्टर थर्ड की बात करें तो बेटा उसमें चैप्टर थर्ड में ज़्यादा कुछ नहीं हटाया, पर हाँ चैप्टर थर्ड हमारे पास क्या था सर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल था हमारे पास, है ना, उसमें ये था। तो उसमें सर इक्वेशंस को सॉल्व करने के, है ना बहुत सारी चीज़ें हमारे पास थी, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हमारे पास थी। तो उसमें बेटा एक चीज़ हमारे पास क्या, कि जैसे हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड था, एलिमिनेशन मेथड था, वो है, ग्राफ वाला क्वेश्चन आएगा, तो क्या हटा बेटा? बेटा आपको जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड है, ठीक है, क्रॉस जो मल्टीप्लीकेशन मेथड है ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड हटा दिया गया बेटा आपके सिलेबस में से। हिंदी में जो वज्रगुणन विधि है, तो यानी जो एक्स, आप बात करें कि जो NCERT का जो एक्सरसाइज, NCERT का एक्सरसाइज 3.5 में जिन इक्वेशंस को, ऐसे इक्वेशन जिनको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से सॉल्व करना होगा वो नहीं आएगा बस। हाँ, जो कुछ वर्ड प्रॉब्लम होंगे, ये मत सोचना कि पूरी एक्सरसाइज 3.5 पूरा नहीं हटाया, ध्यान देना पूरा 3.5 नहीं हटाया,
उसमें जो वर्ड प्रॉब्लम होंगे ना वो तो आएंगे। मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से अगर कोई इक्वेशन आना था वो इस बार नहीं आएगा, ठीक है। तो इसके कुछ क्वेश्चंस, कुछ इक्वेशन जो ना 3.5 में हैं, तो यानी वो आपका इस बार नहीं आएगा। चैप्टर फोर, चैप्टर फोर की बात करें बेटा, तो चैप्टर फोर जैसा कि अभी तक हमारे आप लोग देखते हो, जैसा कि हमने चैप्टर फोर कंप्लीट करा दिया, हमने हमारा चैप्टर 1, 2, 3, 4 हो गया है, ठीक है। चैप्टर फोर में बेटा, चैप्टर फोर हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास तीन मेथड थे, है ना। एक बेटा हमारा होता है फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, तीसरा होता है कौन सा सर हमारे पास बात करें सर थर्ड हमारे पास मेथड होता है बात करें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, है ना। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के तीन मेथड थे। कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड पिछली बार ही हटा दिया गया था, यानी कि इसमें से क्या नहीं आएगा, एक तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड ये नहीं आया, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड ये नहीं आने का, पहली बात। दूसरी बात, इसमें ऐसे जो भी आपके 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 इसमें जो वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम मतलब अरे वो एज वाले सवाल होते हैं ना, मम्मी की एज, पापा की एज, भाई की एज, वो सवाल नहीं आएंगे। वो होते ना स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, वो सवाल नहीं आएंगे चैप्टर फोर में, ठीक है। जो आपके दिमाग खराब करते थे यार, अरे यार वो बोट वाले सवाल नहीं आएंगे। मतलब चैप्टर आप समझ लो कि चैप्टर फोर में 4.1 में भी पहला क्वेश्चन आएगा, 4.2 में भी पहला क्वेश्चन, 4.3 में भी पहला क्वेश्चन, और 4.4 में भी पहला दूसरा क्वेश्चन। यानी जो तमाम वर्ड प्रॉब्लम हुआ करते थे ना, मैंने कहा पापा की एज, मम्मी की एज वाले, है ना, वो नहीं आएंगे। मतलब ठीक है, सब कुछ हटा दिया, बस क्या आएगा चैप्टर फोर में, फैक्टराइजेशन मेथड और जो नेचर ऑफ रूट्स हैं और जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है वही आएगा। बाकी जो एज वाले क्वेश्चन, पापा की एज, मम्मी एज वाले क्वेश्चन, ठीक है, और स्टीम डाउन, सारे वर्ड प्रॉब्लम हट गए हैं सारे के सारे, ठीक है। मैं तो मैं बोल सकता हूँ वर्ड प्रॉब्लम हट गए, जो वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन थे वो हटा दिए गए। चैप्टर फाइव बात करें बेटा, चैप्टर फाइव की जब चैप्टर पाँच की बात करते हैं, चैप्टर पाँच है हमारा एपी वाला, ठीक है, बात बेटे एपी वाला। बट चैप्टर पाँच में एपी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ज़्यादा कुछ हटाया नहीं इसमें से, इसमें से हटा जो हटाया गया ना वो हटाया गया है कि हमारे पास जैसे सम ऑफ एंड टर्म, वो नहीं हटाया जो सम ऑफ एंड टर्म पर। एक्चुअली काफ़ी बच्चों ने ये टॉपिक किया नहीं होगा, पर मैं समझा दूंगा कि सब कुछ है जो सम ऑफ एंड टर्म पर ना कुछ बेस, कुछ क्वेश्चंस होते हैं, मतलब जो कुछ वर्ड प्रॉब्लम होते हैं वो नहीं आएगा। अगर मैं मोटा मोटा बोलूं आम भाषा में, तो बेटा बात करें कि मेरे पास जो एक्सरसाइज जो 5.3 है ना, जो 5.3 के, जो 5.3 के क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर 20 तक इस तरह के क्वेश्चन आपको नहीं पूछे जाएंगे इस बार। मतलब जिस बच्चों को समझ नहीं आया ना, वह समझ लो कि चैप्टर 5 से एक्सरसाइज 5.3 में जो क्वेश्चन 15 से लेकर 20 तक जिस तरह के क्वेश्चन आते थे, वो ऐसे वाले क्वेश्चन इस बार आपके नहीं आने वाले बेटा, ठीक है। बात करें सर चैप्टर 6 का, बेटा चैप्टर 6 बहुत बड़ा चैप्टर होता है हमारे, किसमें, मैथ में बहुत बड़ा चैप्टर है और इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसमें जो दो थ्योरम हटा दी गई है, उसमें से आप, मैं कह रहा हूँ पेज कलम कॉपी उठा लो और दो थ्योरम हटा दी गई है। तो दो थ्योरम हटा दी गई है मतलब कि इसका मतलब ये है, जो थ्योरम हटा दी गई ना, तो थ्योरम चैप्टर 6 से, थ्योरम मैं बात कर रहा हूँ चैप्टर 6 से, ठीक है, जो थ्योरम है, ठीक है, थ्योरम हमारा 6.6 थ्योरम जो एरिया वाली थ्योरम थी हमारे पास, और 6.9 थ्योरम लिखते जाओ। यानी इस बार आपको थ्योरम 6.6 और थ्योरम 6.9 नहीं पढ़ने, और अगर थ्योरम 6.6 नहीं पढ़नी ना, तो इसका मतलब है जो एक्सरसाइज 6.4 है उसके कुछ क्वेश्चन आपको शायद नहीं करने 6. क्योंकि ना जो 6.6 थ्योरम है ना, उसके बाद एक्सरसाइज 6.4 स्टार्ट हो जाता है, इसके बाद ये हो जाता है। इसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे, कुछ क्वेश्चन इस पर बेस ना, तो 6.6 पर बेस क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.4 में मिलेंगे। यानी उसमें से कुछ क्वेश्चन समझो आपके हट गए, मैं पूरा नहीं बोल सकता, कुछ क्वेश्चन हट जाएंगे आपके, ठीक है। इसमें इतना हटाया आपके लिए। बात करें बेटा चैप्टर 7 की, ठीक है, बात करें चैप्टर 7 की। चैप्टर 7 हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से आपके पास इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है, एक कॉन्सेप्ट आता है एरिया ऑफ ट्रायंगल।
एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये हटा दिया है। अब बच्चे कह रहे हैं सर हमने तो अभी तक पढ़ा नहीं है, कि हमें तो पता नहीं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है। यार आम भाषा में तुम्हें मैं बोलूं कि एक्सरसाइज, सर एक्सरसाइज 7.3 भी क्या, यानी जो एक्सरसाइज 7.3 में आता है एरिया ऑफ ट्राइंगल आता है किस में, एक्सरसाइज 7, जो एरिया ऑफ ट्राइंगल के क्वेश्चन होंगे वो एक्सरसाइज 7.3 में होंगे। यानी सर एक्सरसाइज 7.3 आपके सिलेबस से उड़ा दिया गया। ये जो मैं एनालाइज कर रहा हूँ बेटा, ये जो चीज़ें मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सर, वो पहले हमने खुद देखी हैं, फिर एक एक चीज़ें की हैं सर, ठीक है। ऐसे नहीं आ गए सर आपके सर मुँह उठा के हम कि ये बोल दिया है हटा दिया। सर चीज़ें पहले पढ़िए, तो हमने देखा एरिया ऑफ ट्राइंगल यहाँ पर आता है, तो इसमें सारे इसी के क्वेश्चन हैं वो हटा दिया गया बेटा, ठीक है। चैप्टर 7 के बाद पहले बात करते हैं चैप्टर 8 का। चैप्टर 8 आता है ट्रिग्नोमेट्री। बाप रे बाप, ट्रिग्नोमेट्री जिसके लिए जो क्लास 11th में भी है, 12th में भी है, जो कभी पीछा छोड़ेगी नहीं आपका। तो इसमें से प्यारे बच्चों आप देख रहे होंगे पता नहीं क्या वो हटा दिया, एरिया हटा दिया, वो हटा दिया, वो हटा दिया, अगर हम पकड़म हटा दिया। मेरे हिसाब से इसमें एक चीज़ लिखा हुआ है, काफ़ी चीज़ इसमें है, पर मेरे हिसाब से जो एक्सरसाइज 8.3 है, जो एक्सरसाइज 8.3 है ना, जो कम्प्लीमेंट्री एंगल वाला है, जो कुछ क्वेश्चन उसमें होंगे जैसे साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, है ना, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, जो इस तरह के आइडेंटिटी बेस वाले क्वेश्चन से, यानी आई थिंक एक्सरसाइज 8.3 को उन्होंने पूरा हटा दिया गया। इसका मतलब वो यही बोलना चाह रहे हैं, ठीक है, ये हटा, इसमें यही हटा बस, बड़े क्या कम हटाया। मैं खुश हूँ, मैं चाहता था कि इसमें कुछ हटाना नहीं चाहिए, क्यों बेटा ये पूरा 11वीं का और 12वीं का बेस होता है ट्रिग्नोमेट्री, तो ये हटना ही नहीं चाहिए था, ठीक है सर। बात करें बेटा, ये हो गया चैप्टर नाइन की बात करें, चैप्टर 9 है हाइट एंड डिस्टेंस। इसमें कुछ नहीं हटाया, इसमें से कुछ ये पूरा आएगा, इसमें कुछ नहीं बढ़ गया है, कुछ नहीं हटाया। अरे अरे चैप्टर 9 में एक एक्सरसाइज गिनती की है, मेरे कल 10 से 15 क्वेश्चन उसमें है गिनती मैक्सिमम, तो क्यों हटना चाहिए था। मैं ज़्यादा कुछ नहीं हटा, नॉर्मल सेम है, ठीक है। चैप्टर टेन है सर्कल वाला, है ना, चैप्टर 10 है सर्कल वाला, वो पूरा आएगा, उसमें ज़्यादा कुछ हटा नहीं है, वो ठीक है बेटा। चैप्टर 11 आता हमारे पास, कंस्ट्रक्शन आता है बेटा। कंस्ट्रक्शन में आप ये समझ लो कि उसमें लिखा है कि एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, आप देख रहे होंगे PDF फाइल में लिखा है एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, यानी कि बेटा अगर मोटा मोटा देखा जाए ना, तो चैप्टर 11 में दो एक्सरसाइज है, तो एक्सरसाइज 11.1 और 11.2। 11.1 में मतलब मान के चलो कि अप्रोक्सीमेटली एक्सरसाइज 11.1 पूरी उड़ा दी गई है। हाँ बस ये समझ में बोलना चाहता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 आएगा, यानी कि अगर मैं ओवरऑल अगर मैं डाटा देखो ना, तो यानी कि 1.1 में ना क्वेश्चन 11.1 में एक्सरसाइज 11.1 में क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक, क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक उड़ा दिया गया है। ये उन्होंने पूरा उड़ा दिया साला, सारा का सारा सारा सारा, मतलब बोले लगभग क्या बचा है अभी, एक क्वेश्चन तो बचा है, वो क्यों है वो आप देख लेना, एक बार चेक कर लेना वो क्यों है, क्योंकि वो ना उसमें वो इस टॉपिक पर बेस नहीं है। इसलिए मैं आपको इसलिए बोलना चाहूँ कि आप लोगों ने पढ़ा नहीं उसके बारे में 10th वाले बच्चों ने, ठीक है। हाँ 11.2 आएगा, 1.1 यानी इसमें ये नहीं आएगा, ठीक है, 11.1 में ये है। चैप्टर 12 वहाँ, ठीक है, चैप्टर 12 में कुछ उन्होंने बेवकूफ नहीं बनाया था आपको, ज़्यादा कुछ हटाया नहीं चैप्टर 12 में। चैप्टर 12 में बैठा उन्होंने कि उन्होंने ना कुछ सेंटर एंगल्स हमारे, मतलब हमारे जहाँ पर कुछ सेक्टर बनता था, है ना, जहाँ पर 120 डिग्री के एंगल वाली बात होती थी, जहाँ पर 120 के डिग्री एंगल वाली बात होती ना, जहाँ पर है ना एंगल बनता था हमारे पास 120 डिग्री का, ठीक है, मतलब ये ऐसे हैं, तो जहाँ पर 120 का एंगल बनता था ना, उस तरह के क्वेश्चन आपके पास नहीं आएंगे। मतलब मेरे हिसाब से ना ज़्यादा कुछ हटाया नहीं यहाँ से, ज़्यादा कुछ हटाया नहीं चैप्टर 12 से। चैप्टर 13 बेटा क्या, हमारे पास जो आज जो आपने क्लास 9th में पढ़ा था, ठीक है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाला, चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाला जो हमारे पास है ना, यानी उसमें से, यानी बेटा इसमें 4 एक्सरसाइज गिनती की है, ठीक है, और 13.1 13.2 13.3 ये है ना, 13.4 भी है, और सबसे आसान एक्सरसाइज 13.4 थी, और वहाँ से 4 नंबर का सवाल आता ही था, वो उन्होंने हटा दिया है, यानी कि जो वो हटा दिया जहाँ से आता था, यानी कि जब बात करें कि एरिया ऑफ मतलब फ्रस्टम ऑफ कौन वाला टॉपिक हटा दिया है। बच्चे कह रहे आसान भाषा में बोलो, आसान भाषा में मतलब एक्सरसाइज 13.4 उन्होंने हटा दिया है,
ये बोलना चाह रहे हो। ठीक है सर, बात करें चैप्टर 14 में, चैप्टर 14 माने स्टैटिक्स है, जिसमें मीन मीडियन मोड सीखेंगे। तो बेटा इसमें एक मीन निकालने का जो स्टेप डेविएशन मेथड था, मीन निकालने का तीन मेथड है, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। तो स्टेप डेविएशन मेथड से इस बार नहीं आएगा, तो ज़्यादा कुछ फर्क पड़ेगा नहीं मतलब। ठीक है, तो स्टेप डेविएशन मेथड हटा दिया, स्टेप डेविएशन मेथड हिंदी में इसको बोलते हैं पग विचलन विधि। क्या बोलते हैं? पग विचलन विधि बोलते हैं। ये उन्होंने हटा दिया। और हाँ, एक आता था कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, यानी जो हमारे पास सीएफ ग्राफ, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ जो हमारे पास आता था वो भी हटा दिया। वो हटा दिया मतलब ये बोलना चाह रहे हैं एक्सरसाइज 14.4 है ना, एक्सरसाइज 14.4 14.4 इन्होंने हटा दिया। ठीक है, बात करें चैप्टर 15 की प्रोबेबिलिटी वाला, तो वो तो पूरा आएगा। चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी, वो तो हमारे पास क्या आएगा? पूरा आएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये हमारे पास जो कितना सिलेबस मैथ में आपका आ रहा है, कितना जोड़ा गया, जोड़ा कुछ नहीं हटाया गया, वो मैंने आपको सर पूरा डिटेल में समझाया। ठीक है, और ऐसे ही सर मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट क्लास में कोशिश करूँगा कि एक नाइन्थ का ऐसे लाऊंगा, लेक्चर लाऊंगा बच्चों के लिए, ताकि बच्चों को पता, ये जो खुशखबरी आप लोगों के लिए ना कि क्या हटा है, क्या चीज़ नहीं हटा। और बेटा अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो सर अपने दोस्तों को आगे भेजिए, ताकि आपके दोस्त कन्फ्यूजन में ना रहे और उनको ये खुशखबरी मिल सके। ठीक है, तो बेटा आपने वीडियो देखा और अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं बेटा अगले क्लास में, अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बेटा जय हिंद जय भारत।